ऑफ द नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन रिसर्च का आज कॉन्वोकेशन सेरेमनी है एंड आई एम एक्सट्रीमली हम्बल्ड टू बी अ गेस्ट ओवर हियर एंड दे हैव गिवन मी एन अवार्ड व्हिच इज एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी फीलिंग. मैं उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और प्रॉमिस करूंगी कि मैं यूं ही उन्हें एंटरटेन और एंगेज करती रहूं अपनी परफॉर्मेंसेस द्वारा. इन द पास्ट फ्यू इयर्स एजुकेशन के लेवल ही बड़ा है, इंटरनेशनली बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस आते हैं. क्या कुछ लगे कि जरूरी है स्टैंड अप एजुकेशन के लिए इन आवर कंट्री? तो मेरे हिसाब से एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी और फिलहाल कुछ नहीं है, बिकॉज मेरे हिसाब से एजुकेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज इफ़ यू आर एजुकेटेड आपको एक सेंस ऑफ नॉलेज, एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, आपको दुनिया में क्या चल रहा है, यू विल नेवर फील हैंडीकैप. एज इलिटरेसी इज़ अ ह्यूज हैंडीकैप. अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, आपको पढ़ना लिखना अगर नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता आप आज की दुनिया में फंक्शन कैसे कर सकते हैं. और इंडिया में इतनी प्रोग्रेस हो गई है फिलहाल, वी हैव सो मेनी इंटरनेशनल अफिलिएशन, कैम्ब्रिज हैज़ कम टू इंडिया, देयर आर इंटरनेशनल स्कूल्स, इतनी सारी अवेलेबिलिटी हो गई. इनफैक्ट मैं जब रूरल इंडिया भी ट्रैवल करती हूँ तो वहाँ पर इतने एजुकेटेड टीचर्स हैं और देर इज़ फैसिलिटेशन और बढ़ रहा है. मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन नीड्स टू बी कंपल्सरी फॉर एवरीवन, बिकॉज हमारा पूरा भविष्य सबके बचपन पर निर्भर करता है. ऐसे लोग जो समाज के हर तबके से आते हैं और देश की प्रगति में एक मजबूती देते हैं, चाहे वो फिल्म से हो, म्यूजिक संगीत से हो, व्यापार से हो, साइंस से हो, अलग अलग क्षेत्रों से जो व्यक्ति आते हैं जिनका सच में नाम या शोहरत होता है, वैसे लोगों का चयन अभिराम कुलशेष जी की संस्था के द्वारा होता है. और अभिराम कुलशेष जी उन व्यक्तियों को चयनित करते हैं. अलग अलग क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है, करीब करीब 1200-1500 लोगों को के आते हैं, नॉमिनीज के नाम आते हैं, उसमें 20 लोगों का सिलेक्शन ही करते हैं. और ये बहुत सुखद बात है कि यह संस्था जो है वह नित्य प्रतिदिन फल फूल रही है. हमारी शुभकामना है कि देश के ऐसे लोगों को अवार्ड देना चाहिए जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं. मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद. मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जो मुझे ऑनररी डॉक्टरेट दे रहे हैं नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाले, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं सारी उम्र पढ़ाई मैंने कुछ और करी, लेकिन ज़िंदगी अब म्यूज़िक में है और बहुत समय से मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो उस चीज़ का इनक्रेजमेंट है मेरे लिए, उस चीज़ को सराहा है लोगों ने और जो मुझे आज ये प्यार मिल रहा है, मैं ये उम्मीद करूँगा कि मैं इस पर खरा उतरूँगा, मैं ज़िंदगी में अपना काम अच्छे से करूं और देश के लिए कुछ कर पाऊं, और ये मेरी उम्मीद है. और उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर कुलश्रेष्ठा का, जिन्होंने मुझे बुलाया इसके लिए, और नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो मुझे आज ऑनररी डॉक्टरेट दे रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इनकी लाइव परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे अभी? इनकी लाइव परफॉर्मेंस तो डायनामाइट है, वो तो ज़बरदस्त है, उसका तो कोई सानी नहीं है. और इन्होंने एकदम, जबकि ये ऐसे तैयार भी नहीं थे, और इन्होंने छोटे सी जगह पर हम लोग भी सब बैठे थे वहाँ, इन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है. मेरे ख्याल से बहुत ही कमाल का इनका परफॉर्मेंस रहा, मैंने पहली बार इनको देखा है इस रूप में, और शुक्रिया सर, बहुत बहुत अच्छा. के सामने कुछ नहीं है. नहीं, बल्कि आप बोल रहे थे कि आपने भी कभी जो डांस था बहुत बाद में सीखा. हाँ. और मेरा भी वही रास्ता रहा, मैंने संगीत की कोई क्लास नहीं लगाई कभी. करेक्ट. और जो भी सीखा वो सुन के देख के एब्जॉर्ब करके, और थोड़ा सा ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, बाकी अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है और माँ बाप का आशीर्वाद होता है, घर वालों का. पर ये कि सफर हमारा सिमिलर ही है और चल रहा है साथ. हाँ, आपने भी, इन्होंने तो साइंस पढ़ी है, माइक्रो बायोलॉजी, और मैंने भी एमएससी किया है जियोलॉजी में. हाँ, तो आर्ट्स की चीजें हैं ये दोनों चीजें आप लोग कर. बिल्कुल. और मुझे स्किल इंडिया जो है हिंदुस्तान में, जो हमारा जो मिनिस्ट्री है, उनका जो कार्यक्रम है, उसमें भी मुझे उन्होंने एम्बेसडर बनाया हुआ है. तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोग जो हैं वो उस पर खड़े उतरते हैं, क्योंकि हमने अपने पैशन
को स्किल के ज़रिए उसको इतना हुनर में कन्वर्ट किया है कि आदमी कहाँ कहाँ जाता है उसके बलबूते पे और पैसा कमाता है, शोहरत कमाता है और ज़िंदगी, और फिर कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के लिए। और जैसा ये बता रहे थे कि वो एक रिस्पेक्ट मिलता है जब ऐसे लोग आके आते हैं डांस में, तो जो फॉलोअर्स होते हैं इनसे इंस्पायर होते हैं, जो नई जनरेशन होती है, और वो लोग फिर ये एस्पायर करते हैं कि हम भी टेरेंस जैसा काम कर पाएँ। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन एंड आई कंग्रेचुलेट हिम ऑल्सो फॉर दिस ऑनररी डॉक्टरेट दैट ही इज गेटिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही जो सर फरमाया है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर अभिराम कुलश्रेष्ठा का, बिकॉज ये जो पुरस्कार मिला है, ये जो सम्मान मिला है एज अ डॉक्टरेट ऑफ यू नो डांस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये मेरे लिए बहुत बड़ा किताब है। और शायद कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स की एक मुराद थी कि काश बेटा तू माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री कर रहा है, आगे जाके डॉक्टर बन जाए। तो वो वाला डॉक्टर नहीं बना, लेकिन डॉक्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स से बन चुका हूँ। बिल्कुल। एंड आई थिंक मेरे पिताजी जो जिंदा हैं अभी, वो बहुत खुश होंगे सुन के कि ये एक पुरस्कार मिला है, ये इतना सम्मान मिला है। एंड आई थिंक एवरी अवार्ड, एवरी रिवॉर्ड, एवरी माइलस्टोन अचीव इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट काइंड ऑफ वैलिडेट्स कि यू नो ये हम जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यू नो लोगों तक पहुँच रहा है। एंड आई थिंक इट इनकरेज मोर पीपल टू काइंड ऑफ यू नो गेट इन टू दिस प्रोफेशन, क्योंकि हमारे जो प्रोफेशंस हैं वो डॉक्टर, मेडिसिन, इंजीनियर वाले प्रोफेशन नहीं है। और कई लोग यू नो कला के प्रति बहुत भावना लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पाते हैं, वो यू नो रोजी रोटी में लग जाते हैं। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट पीपल लाइक अस कैन शो देम दैट देयर इज अ पाथ, देयर इज अ वे। अगर दिल में अगर वो पैशन है तो, और जिंदा दिली है, एंड अगर आपका फोकस है, देन आई थिंक यू कैन यू नो कंटिन्यू इन दिस प्रोफेशन। सो आई जस्ट एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एंड रियली रियली हैप्पी टू रिसीव दिस डॉक्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। एंड या आई थिंक ये जो जिम्मेदारी अब मुझे मिली है, आई हैव टू इंश्योर कि आगे जाके सभी जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको, और मैं कैसे यू नो हाउ कैन आई यू नो हेल्प देम स्पेशली विद दिस डॉक्टर टू काइंड ऑफ यू नो मूव अहेड एंड क्रिएट an इंस्टीट्यूट where दे कैन get recognized, where दे कैन get appreciated, where दे कैन be felicitated। थैंक यू। मैं तो इनफैक्ट डिग्री का ऑनर बढ़ गया जो इन लोगों ने काम किया है अपने अपने क्षेत्र में। गायकी में कोई सानी नहीं है, डांस में तो कोई सानी बिल्कुल ही नहीं है। गायकी में जी चलो बड़े बड़े रफ़ी वगैरह गिन लो तो साथ में उनके खड़े हो जाते हैं, लेकिन सर के साथ में तो इनके डांस का तो कोई खड़ा ही नहीं होगा आज की तारीख में कंटेम्प्रेरी। डॉक्टर भी बना दिया तो हैंस फोर्थ आफ्टर द अवार्ड दे विल बी डॉक्टर लुइस, डॉक्टर टेरेंस, डॉक्टर मोहित चौहान। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप, थैंक यू सर, कीप अस प्राउड ऑफ अवार्डिंग यू विद द अवार्ड। यस थैंक यू। एंड वी डोंट वांट टू थैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड द अमेरिकन इंस्टीट्यूट, बिकॉज ये बहुत बड़ा सम्मान है, बिकॉज ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, सो रियली फील प्राउड। एब्सोल्युटली थैंक यू। तो मुझे सम्मान दिया गया है तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं ऑनर्ड भी हूँ, प्राउडली भी हूँ। नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डिग्री मुझे मिल रहा है, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगी डॉक्टर कुलश्रेष्ठ को, क्योंकि उनके लिए मेरे को ये अवार्ड मिल रहा है। तो बस, और डॉक्टर सर ये जितनी मतलब जितनी डाउन टू अर्थ हैं उसका मैं कुछ मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। शी इज़ ए वेरी टैलेंटेड एस्ट्रोलॉजर, वेरी टैलेंटेड लेडी, जो भी इनका क्षेत्र है उसमें एक्सेल कर रही हैं। एक्सेल क्या मतलब, एक्सेल से भी बड़ा कोई वर्ड है वो कर रही हैं। तो मैं इनकी सफलता के लिए रात और दिन ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ कि बढ़ती रहें, इनका यश, मान, सम्मान दुनिया में बढ़े। थैंक यू।